स्टूडेंट्स, कक्षा 6 में प्रश्नावली 11.1 के बचे हुए जो दो प्रश्न प्रश्न नंबर 10 और 11 को आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आप अपना गणित खोल लीजिए, गणित में से हम प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ श्याम पट पर उसको हल करेंगे। प्रश्न नंबर 10, संतरों को बड़ी पेटियों में से छोटी पेटियों में रखा जाना है। संतरे बड़ी पेटियों में आते हैं, फिर छोटी पेटियों में पैक करके आते जाते हैं। वो जब एक बड़ी पेटी को खाली किया जाता है तो उसके संतरों से दो छोटी पेटियां भर जाती हैं। एक बड़ी पेटी को खाली करेंगे तो दो छोटी पेटी भर जाती हैं, फिर भी 10 संतरे शेष बच जाते हैं, 10 और बच जाते हैं। यदि एक छोटी पेटी में संतरों की संख्या को एक्स लिया जाए तो बड़ी पेटी में संतरों की संख्या क्या है? देखो, छोटी पेटी में, यहां पे प्रश्न नंबर 10 को कर रहे हैं, छोटी पेटी में संतरों की संख्या में दे रखी है, वो क्या है? एक्स। एक छोटी पेटी के अंदर कितने संतरे आते हैं हमारे पास? एक्स। अब हमें निकालना है बड़ी पेटी में संतरों की संख्या। बड़ी पेटी में संतरों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ध्यान रहे, प्रश्न को एक बार दोबारा से पढ़ लें, आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। संतरों की बड़ी पेटियों में से छोटी पेटियों में रखा जाना है। जब एक बड़ी पेटी को खाली किया जाता है तो उसके संतरों से दो छोटी पेटियां भर जाती हैं और फिर भी 10 संतरे शेष रह जाते हैं। अर्थात एक बड़ी पेटी में दो छोटी पेटियों के बराबर संतरे हैं और उससे भी 10 ज्यादा है जो बच गए। दो तो देखो छोटी पेटियां पूरी भर गई, उसके बाद 10 बच गई। अब एक पेटी के अंदर हमारे पास x संतरे आते हैं तो दो पेटियों में कितने आएंगे? दो बार एक्स का मतलब दो गुणा एक्स का मतलब कितने आएंगे? 2x। अब इस बड़ी पेटी के संतरों से दो पेटियां हमने भर दी 2x संतरों के बराबर, उसके बाद भी 10 बच गए, अर्थात 10 संतरे और ज्यादा इस बड़ी पेटी में है। तो ज्यादा के लिए हम जोड़ देंगे तो हमारे पास बड़ी पेटी में संतरों की संख्या क्या आएगी? 2x जमा 10 आ गई। 2x तो क्यों? क्योंकि दो पेटियां भरी गई 2x के बराबर, दो छोटी पेटियां भरी गई और 10 और बच गए, वो भी जोड़ने पड़े क्योंकि वो बड़ी पेटी में तो है ना, वो संतरे छोटी में नहीं आए, वो बच गए। तो बड़ी पेटी में संतरों की संख्या हमारे पास 2x जमा 10 आ गई। ठीक है, थोड़े अलग प्रश्न है ये दोनों, ध्यान से देखें, बड़े मजेदार तरीके से समझ में आएंगे। 11, तिलियों से बने हुए वर्गों के नीचे दिए प्रतिरूपों को देखिए। ये वर्ग अलग नहीं है, दो सलग्न वर्गों में से एक तिली उभयनिष्ठ है। इस प्रतिरूप को देखिए और वह नियम ज्ञात कीजिए जो वर्गों की संख्या के पदों में आवश्यक तिलियों की संख्या देता है। यदि आप अंतिम और ज्यादा तिली को हटा दें तो आपको सी का प्रतिरूप प्राप्त हो जाएगा। ये तो आगे अलग दे रखा है, हाँ दे दिया भाई। हाँ, अभी हमें वर्ग बनाने हैं, ये वर्ग बना रखे हैं। एक वर्ग में हमारे पास तिलियों की संख्या 4 है, दो वर्ग में कितनी है? ध्यान से भी नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं, 4 और 8 नहीं है, क्योंकि ये तिली उभयनिष्ठ है, इन दोनों में उभयनिष्ठ करते जो दोनों में होती है। उसी प्रकार तीन वर्गों में कितनी है? 4 और 3, 7 और 3, 10 है। और उसी प्रकार हमारे पास 4 में कितनी है? यहां 13 है, जब तिलियों की संख्या गिनोगे। अब जो हमने प्रतिरूप पहले किए हैं उनमें तो हमारे पास तिलियों की संख्या हर आकृति के साथ दुगनी होती चली गई थी, ठीक है ना? क्योंकि यदि यहां एक वर्ग है वो 4 तिलियों से बना हुआ है तो 2 वर्ग 8 में मिलते हैं, लेकिन एक उभयनिष्ठ होने के कारण यहां गड़बड़ हो गई। यदि सीधी होती तो हम लिख देते कि जो एन हमें वर्ग बनाने हैं, एन वर्ग, तो उसमें तिलियों की संख्या कितनी आई, तो हम सीधा 4n लिख देते, लेकिन अब नहीं लिख सकते क्योंकि बराबर 4 4 नहीं आ रहे हैं। तो क्या करेंगे? अब यही चीज ध्यान से देखें, थोड़ा सा ध्यान लगाएं कि हर जो एक एक वर्ग बढ़ रहा है उस बढ़ने के साथ साथ तिलियों की संख्या कितनी बढ़ रही है। पहले देखिए, 4 से 7 हुआ 3 बढ़ी, 7 से 10 हुआ 3 बढ़ी, 10 से 13 हुआ 3 बढ़ी, 3 3 तो बढ़ी रही है हर स्टेप में आगे। तो हमारा पहला स्टेप यहां पे हो जाएगा 3n,
जितनी पीढ़ियां हर बार बढ़ रही हैं, इसका प्रतिरूप बनाने के लिए, इसका नियम बनाने के लिए। अब तीन एन तो देखो बढ़ ही रहा है, तीन तो हर, तीन तिल्ली तो हर एक आकृति जो हमारे पास बन रही है अलग से अलग उसमें बढ़ ही रही है। उसके बाद फिर पहली तिल्ली की तरफ हमें ध्यान देना है, पहली तिल्ली की तरफ हमें ध्यान देना है। यदि हम पहली तिल्ली को ध्यान से देखें तो यहां पे बढ़ी गई तिल्लियों से कितनी ज्यादा तिल्ली है, एक ज्यादा तिल्ली है। जितनी ज्यादा तिल्ली होगी उतनी हम यहां पे जोड़ देंगे, तो इसका प्रतिरूप हमारे पास क्या बनेगा, तीन एन जमा ए। फिर ध्यान से समझें, जितनी तिल्लियों की संख्या हर एक आकृति के बाद बढ़ रही है, जैसे एक वर्ग था फिर दो वर्ग, तीन वर्ग, तीन तीन बढ़ रही है, तो जो एन लिया है हमने लास्ट में भी, एन वर्ग कितनी तिल्लियों में बनेंगे, तो उसके साथ इसकी गुणा कर देंगे, तीन एन आ गया। और जो पहला, पहले जो तिल्लियों की संख्या है उसमें से इसको घटा के जो बचेगा वो दस जाके जोड़ देंगे। अब यहां से ध्यान से देखें, यदि मुझे एक वर्ग बनाना है तो तीन है, तीन एकम तीन, तीन जमा एक कितने आ गए चार। और यदि मुझे दो बनाने हो दो वर्ग तो यहां तीन गुणी छह, छह जमा एक कितने आ जाएंगे सात, हमारे पास ये है ही सात, और इस प्रकार से हम बना सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हमारे पास इसका दूसरा भाग है, ये ए भाग था हमारे पास और ये बी भाग है। बी भाग के अंदर हम देखेंगे बढ़ी आकृति 11.7 तिल्लियों से मैंने त्रिभुज का एक प्रतिरूप दर्शा रही है। उपरोक्त प्रश्न 11 ए की तरह एक व्यापक नियम ज्ञात कीजिए जो त्रिभुजों की संख्या के पदों में आवश्यक तिल्लियों की संख्या देता है। सेम वही है, अब इसमें भी देख लेते हैं, एक त्रिभुज बना है, तिल्लियां कितनी होगी भाई तीन, ये दो त्रिभुज बने हैं, देखो एक त्रिभुज एक ही है, इसमें तिल्लियों की संख्या पांच, ये तीन बने हैं इसमें तिल्लियों की संख्या सात, चार बने हैं तिल्लियों की संख्या नौ। उसी प्रकार मुझे एन के लिए तिल्लियों की संख्या ज्ञात कीजिए, एन त्रिभुजों के लिए तिल्लियों की संख्या बताएं। पहले तो ये देख लेते हैं, पहले प्रश्न की तरह कितना कितनी तिल्ली बढ़ रही है, तीन से पांच हुए दो बढ़ी, पांच से सात हुए दो बढ़ी, सात से नौ हुए दो बढ़ी, तो हमारे पास सीधा दो एन तो हमारे पास आ ही गया, दो दो बढ़ रही है तिल्लियां तो एन के साथ सीधी गुणा कर दी दो एन हो गया। अब जितनी बढ़ोतरी हुई है और उससे कितनी ज्यादा पहले वाली आकृति की तिल्लियां हैं, कितनी है तीन में से दो गए एक है, तो दो एन इधर ले बाकी क्या करेंगे फिर उसको एक को जोड़ देंगे उसी प्रकार पहले वाले की तरह। तो यहां पे इस प्रतिरूप में तिल्लियों की संख्या निकालने के लिए यदि एन हमें त्रिभुज बनाने हैं तो वो क्या होगी, दो एन जमा एक होगी। तो ये दो प्रश्न आज इस वीडियो के माध्यम से हमने किए, ये प्रश्नावली आपकी पूरी हुई, आशा है ये पूरी प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसको कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए, फिर भी कोई प्रश्न समझ में ना आया हो तो वीडियो के शुरू में हमारा फोन नंबर दिया हुआ है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।